चोरां दे निशानियां ते हुण वड्डे वड्डे कारोबारियां दे घर ने। जी हाँ, तुहानूं दस दईए कि पहला कहा जा रहा है कि चोरां दे वल्लों रेकी की जा रही है ते फिर उस तों बाद दे विच उस घर नूं निशाना बनाया जा रहा है। तो मामला सामने आया लुधियाणा तों, जिथे कि एक कारोबारी दे घर चोरी की वारदात नूं अंजाम देण पहुंचे चोरां नूं मौके ते ही काबू कर लिया गया। जानकारी मुताबिक कहा जा रहा है कि जदों चोर घर दे विच दाखल होए तां एक औरत पहला उन्होंने देखती है तो जो उस दे वलों शोर मचाया जाता तो गुस्से दे विच आके चोरां दे वलों सिर दे विच हथौड़ा मार दिता जाता है। तो जदों इस शोर का आवाज़ सुन के ड्राइवर बाहर निकलता तो वह चोरां नूं देखता तो मौके पर ही चोर भज्जण की कोशिश करते हैं, पर मुहल्ला निवासियों की मदद के नाल कहा जा रहा है कि चोरां नूं मौके पर ही काबू कर लिया गया। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है तो मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ते दूजे पासे लोकां दे विच हुण इस घटना तो बाद सहम दा माहौल है। तो कहा जा रहा है कि जिस औरत दे सिर दे विच हथौड़ा मारिया गया वह बुरे तरीके दे नाल जख्मी हुई है तो उसनू इलाज दे लई हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। तो मामला लुधियाणा तो सामने आया है जिथे कि चोरां दे वल्लों पहला एक कारोबारी दे घर दी रेकी की जाती है तो उस तो बाद दे विच उत्थे चोरी की वारदात को अंजाम देने दे लई पहुँचते हैं, पर मौके दे उत्ते ही ड्राइवर जो है उन्होंने काबू कर लेंदा। हालांकि चोरां दे वल्लों एक औरत दे सिर दे विच हथौड़ा भी मारिया गया। असी दोनों सैर कर रहे सी नाल ही पार्क दे लई रवैली दे विच, उत्थे इन्हां नूं फोन आया भी इन्हां दी वाइफ नूं कोई बंदा सिर च थौड़े मार गया। असी उन्हां पैरां दे गड्डी च भज्जे ते आंदियां बड़ा कट्ठ सीगा ते काफ़ी वह बंदियां नूं फड़ भी लिता गया सीगा। तो फड़न तो बाद फिर उन्होंने लोगों ने छित्र परेड की, उन्होंने मतलब इतों अद्धा किलोमीटर अगे जाके पब्लिक ने घेर लिया, घेर के बन के लिया के इतने रखिया। तो वो फिर उस तो बाद पुलिस के हवाले दे दिता गया। तो मैडम के जिन्हों के सट्टा लगियां ने उन्होंने दीपक अस्पताल के बदौरे इलाज उन्होंने इलाज चल रहा है तो स्कैन वगैरह चल रही है। तो उस तो बाद पता लगेगा भी की अंदरों व्यू निकलते हैं। दो जने से जो कि अज तो तीन चार दिन पहला इन्हों के घर के कोई रैकी करके गए ने। रैकी करन तो बाद ही उन्होंने सारा काम किया। पंजाब के हालात तो हम सारी दुनिया को पता, सवेरे अखबार पढ़ी दी है, उस तो बाद सारा कुछ शरीर हिलना शुरू हो जाता भी असं अपने बच्चे आप सेफ किदा रहेंगे। इतने साड़ी तो गुजारिश है भी इदा के जिन्हें लुचे बंद जिन्हें है इन्हों नत्थ पाई जाए सरकार स्कैनिंग हो चुकी है, सिर दी टांके लग चुके, 8-10 टांके लग गए ने। बाकी उंज ठीक ने। प्रशासन तो की मांग करदे? प्रशासन तो यही मांग करते हैं भी इदां दे गुंडियां नूं नत्थ पाई जाए भी जिहड़ा पंजाब दे विच बंदा जिहड़ा लुधियाणे दा खास करके बहुत बुरा हाल है। हर बच्चा हर लेडी घरों बाहर सैर ते जाण लग्गिया डरदा भी इह सानूं सेफ्टी दी इक गरंटी देण। इह सराभा नगर तों फड़िया जी, ते घर वड़ के इन्हां ने जनानी दे सट्टां मारियां मिसिज दे उन्हां दी, तो बाकी घर के जो भी बयान लिखणगे उहदे आधार ते कार्रवाई कर देवांगे। सर कहिंदे कि लकड़ दा काम करन आए सी 10 दिन पहलां ते उस तों बाद इन्हां ने, पर उन्हां नूं पता नहीं सी ना इह इदां चोरी करनगे जां कितां जी। जां उहनां ने सट्टां मार दित्तियां उहनां नूं तां फिर ही पता लगा। मतलब कि कोई अच्छा इन्हां तों बरामद वगैरह होया कि हथौड़ा वगैरह लगाया? आ हथौड़ा आया कि इन्हां ने जिन्हां सट्टां मारियां जी। तो बाकी जो घर के बयान देने वो आधार से कार्रवाई कर देवे। किसी से लगी भी है सट सुट लाई है? उन्होंने मैसेज से लगी है। अच्छा, कितने बजे का टाइम से? टाइम तो 1.25 घंटा हो गया, अद्धा 1.5।